स्वागत है चैनल पर इस वक्त की बड़ी खबर के साथ एक बार फिर से आपके सामने मौजूद है, जहां पर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर राकेश टिकैत इस बार एक बार फिर से गोदी मीडिया को जोरदार फटकार लगाते हुए नजर आए। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के अंदर हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद करने वाले गोदी मीडिया पर जोरदार तरीके से बरसे राकेश टिकैत। बताएंगे दोस्तों क्या है ये पूरा मामला, इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर टिकैत के साथ साथ अब संयुक्त किसान मोर्चा भी उत्तर प्रदेश के अंदर डालने वाला है डेरा। कब आएगा संयुक्त किसान मोर्चा उत्तर प्रदेश में प्रचार करने के लिए, पूरी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ चलेंगे एक एक करके सभी बड़ी अपडेट की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के अंदर सत्ता परिवर्तन की जोरदार लहर का समर्थन करते हुए प्रदेश के अंदर 250 की पार की रफ्तार से चल रही है साइकिल और इस बार साइकिल उड़ा रही है धूल जिसमें उड़ चुका है फूल, अगर आप भी करते हैं इस बात का समर्थन तो वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर कमेंट बॉक्स में जय जवान जय किसान किसान एकता जिंदाबाद जरूर लिखेगा। दोस्तों सबसे पहले और बड़ी अपडेट जो सामने आ रही है, जहां पर किसान नेता राकेश टिकैत एक बार फिर से गोदी मीडिया के कार्यक्रम में पहुंचे थे और इस दौरान राकेश टिकैत के साथ में बातचीत के दौरान ऊपर लिखा हुआ था कौन बनेगा किसानों का मुख्यमंत्री, लेकिन नीचे मंदिर मस्जिद का खेल चालू हो रखा था, जिसको लेकर दोस्तों गोदी मीडिया को पहले ही भाप गए राकेश टिकैत। और टिकैत ने बीच डिबेट में जोरदार तरीके से एंकर को फटकार लगाते हुए कह दिया कि आप लोगों ने पूरी तरीके से ड्रामा कर रखा है, मंदिर मस्जिद के नाम पर किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को फायदा पहुंचाया जा रहा है। आपको बता दें कि गोदी मीडिया के इस चैनल पर राकेश टिकैत का पारा उस वक्त चढ़ गया जब दोस्तों मंदिर मस्जिद दिखाकर ऊपर लिखा था किसानों का कौन बनेगा मुख्यमंत्री, यानी सवाल ये खड़ा हुआ कि मंदिर मस्जिद दिखाने की क्या जरूरत है, क्या अस्पताल स्कूल ये दिखाकर चुनाव नहीं लड़े जा सकते। यानी दोस्तों एक तरीके से बीजेपी के लोग 80-20 जैसे विवादित बयान देते हैं और दूसरी ओर गोदी मीडिया लग जाता है पूरे बयान को सही से जनता के बीच में पहुंचाने के लिए, यानी दोस्तों एक तरीके का प्रोपोगंडा चलाने में लग जाता है गोदी मीडिया। जिसके बाद राकेश टिकैत ने जोरदार तरीके से पलटवार करते हुए बीच शो के दौरान जोरदार तरीके से बहस की है, जिसके बाद एंकर कहने लगा कि आप मंच का दुरुपयोग कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। टिकैत ने साफ तौर पर कह दिया कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए इस तरीके की चीजें की जा रही है, मंदिर की जगह पर यहाँ पर आप अस्पताल की फोटो लगाइए, सड़कों की फोटो लगाइए, विकास अगर किया है तो उसकी फोटो लगाइए, इस तरीके से राज्य के अंदर आप सांप्रदायिक माहौल बनाने में कुछ पार्टियों को फायदा क्यों पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि वरिष्ठ पत्रकार अभिषार शर्मा की तरफ से भी सोशल मीडिया पर इस पोस्ट को शेयर करते हुए लिखा गया है वहाँ राकेश टिकैत जी आपने अच्छा किया। इसी के साथ में राजेश बेनीवाल एक यूजर ने शेयर करते हुए लिखा कि राकेश टिकैत ने दलाल चैनल की बक्कल तार दी है। इसी के साथ में आपको बता दें कि लोग सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ कर रहे हैं राकेश टिकैत की, और जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं इस तरीके से पीछे मंदिर बनाकर राकेश टिकैत से किसानों के मुद्दे पर चर्चाएं चल रही थी, जिसको लेकर टिकैत साफ तौर पर समझ गए कि इनका केवल और केवल एक ही मुद्दा है किसी तरीके से राज्य की राजनीति में चुनाव मंदिर मस्जिद के इर्द गिर्द घूमती रहे, और ऐसे में दोस्तों अस्पताल स्कूल शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर कोई चर्चाएं ना हो। ऐसे में एक और बड़ी अपडेट है, जहां पर एमएसपी पर कमेटी के लिए 31 तारीख यानी परसों धरना देने वाली है भारतीय किसान यूनियन। आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर से आंदोलन की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि किसानों और सरकार के बीच में जो समझौता हुआ था फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य देने का, इसके लिए कमेटी के गठन की बात कही गई थी, लेकिन सरकार ने अब तक ऐसी कोई किसी कमेटी का गठन नहीं किया है। इसके विरोध में किसान 31 जनवरी को धरना देंगे। राकेश टिकैत ने बताया कि 31 जनवरी को पूरे देश भर के अंदर डीएम और एसडीएम के दफ्तर के सामने धरना दिया जाएगा। कहा जा रहा है कि धरना सरकार की ओर से एमएसपी पर किए गए वादे को पूरा नहीं किए जाने के बाद दिया जा रहा है। यानी दोस्तों बीकेयू एक बार फिर से एक्टिव हो गया है उत्तर प्रदेश की सियासत में। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर अब जैन चौधरी को लेकर जोरदार क्रेज देखने को मिल रहा है। दरअसल यूपी पुलिस के जवानों ने जैन चौधरी जिंदाबाद के नारे लगा दिए, जिसके बाद प्रशासन में जोरदार हड़कंप मच गया। उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के अंदर जेल में सुरक्षा में तैनात उत्तर प्रदेश पुलिस के सुरक्षा कर्मियों का सड़क पर डांस करते हुए राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जैन चौधरी जिंदाबाद के नारे लगाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस महकमे ने कई लोगों को सस्पेंड कर दिया है। आनन फानन में जेल प्रशासन भी हरकत में आई है और वीडियो में नजर आ रहे 6 पुलिस वालों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। इसी के साथ में दोस्तों सोशल मीडिया पर लोग इस पर भी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इसी के साथ में आपको बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान, कहा यूपी चुनाव के बाद बीजेपी गुजरात में भी बुरी तरीके से हारेगी, गुजरात में हराने के लिए हम सब लोग पहुंचेंगे। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल ने पहले चरण के चुनाव के लिए प्रचार तेज कर दिया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और आरएलडी के चीफ जैन चौधरी ने गाजियाबाद के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर तीखा हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि जिस घर का दरवाजा वो यानी अमित शाह बजाए, वहाँ पर डोर टू डोर कैंपेन के दौरान अपना सिलेंडर, जो आपका लाल कलर का सिलेंडर है, उसको बाहर रख कर बोलिए कि आपकी सरकार में इसको हम भरवा भी नहीं पा रहे हैं। और ऐसे में दोस्तों एक और बड़ी अपडेट है, जहाँ पर अमित शाह ने मुजफ्फरनगर के अंदर जो उनकी डोर टू डोर कैंपेन होने वाली थी उसको रद्द कर दिया है। इसके पीछे क्या है बड़ा कारण, तो लोग ये बता रहे हैं कि जिस तरीके से मुजफ्फरनगर के अंदर बीजेपी नेताओं का विरोध हो रहा है, उसके बाद अमित शाह को भी समझ में आ गया होगा कि विरोध और ज्यादा बढ़ सकता है, इसीलिए
लिए अच्छा ये होगा कि बच के निकल लेना चाहिए। ऐसे में दोस्तों अगर आप लोग को एक भी खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, लाल बटन दबाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। जुड़े रहने के सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।